तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी आर पे अभी दोस्तों देखिए आप जो वीडियो के अंदर फोन देख पा रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको इसका मॉडल दिखा दू दोस्तों देखिए इसका जो मॉडल है दोस्तों ये है सैमसंग एम ठीक है दोस्तों अभी चलिए इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो भी बात कर लेते हैं देखिए आप यहां पर देखना दोस्तों इसके डिस्प्ले में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेफ मोड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा तो दोस्तों तो इस फोन के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो तो गया तो सैमसंग एम बारे मोबाइल के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो गया है अभी जो कस्टमर हमारे पास इसको लेकर के आए हैं उनका कहना यह है कि भाई मेरे फोन के अंदर जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी वो वर्क नहीं कर रही है तो दोस्तों तो 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 देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आपके फोन के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो जाता है तो जो भी आपके फोन के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है ना जो आपने प्ले स्टोर वगैरह से या फिर किसी वेबसाइट वगैरह से अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर रखी होंगी वो वर्क नहीं करेंगे जब तक आपके फोन के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट रहेगा और जैसे ही आप सेफ मोड को बंद कर दोगे तो आपके फोन की सभी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वो वर्क करने लग जाती हैं तो अभी दोस्तों देखिए आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आई है या फिर इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं यानी कि इस फोन का सेफ मोड आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो भाई इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना जिससे कि आप अच्छे समझ सकें और आप आसानी से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से सेफ से मोड को बंद किया जाता है लेकिन दोस्तों प्लीज उससे पहले मैं चाहूंगा यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये ट्रिक वर्क करती है या फिर नहीं करती तो दोस्तों देखिए किस तरीके से बंद किया जाता है आइए जान लेते हैं देखिए दोस्तों ध्यान से समझना मैं वीडियो के अंदर कोई भी कट नहीं लगाऊंगा और हंड्रेड परसेंट बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूं आप ध्यान से देखना देखिए आपको करना यह है आपके फोन का जो पावर ऑन ऑफ की होता है जिससे आप फोन को चालू बंद करते हैं आपको उसे दबा के रखना है कुछ सेकंड तक ठीक है प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपके फोन के अंदर आ जाएंगे अभी आपको सबसे ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पावर ऑफ देन सेकंड मिलेगा आपको रिस्टार्ट थर्ड मिलेगा आपको इमरजेंसी कॉल तो आपको क्या करना है जो आपका सेकंड ऑप्शन है रिस्टार्ट लिखा हुआ ग्रीन वाला आपको इसके ऊपर क्लिक करना है टैप कर देना है फिर से आपको इस तरीके से रिस्टार्ट लिखा मिल जाएगा आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक कर देना है अभी होगा क्या आपका फोन ऑफ हो जाएगा ठीक है आपको इसे ऑन नहीं करना है सिर्फ आपको वेट करना है ये अपने आप ही ऑन होगा रिस्टार्ट होकर के फोन ठीक है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक फोन प्रॉपर ऑन नहीं होता देखिए वीडियो के अंदर कोई कट नहीं लगाऊंगा वरना बहुत से भाई बोलते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद कि हमारे फ़ोन के अंदर ये ट्रिक काम नहीं की है हमारे फ़ोन का सेफ मोड नहीं हटा है तो भाई देखिए ऐसा नहीं होता है हंड्रेड परसेंट ट्रिक वर्क करती है और देखिए यदि आपने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया है तब भी आपके फ़ोन का सेफ मोड नहीं हटा है तो उसका एक कारण है वो कारण क्या होता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको क्या करना है तब वो हटा पाएंगे आप अपने फ़ोन का सेफ मूड लेकिन पहले यहाँ पर हम थोड़ा इंतजार करते हैं अपना फोन प्रॉपर ऑन होने तक कि हमारे फोन का सेफ मोड बंद होता है या पे नहीं होता वीडियो के अंदर मैं कोई कट नहीं लगाने वाला हूँ बस ध्यान से देखते रहना फोन हमारा ऑन हो चुका है जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं बस फोन को प्रॉपर ऑन होने का वेट है यहाँ पर ठीक है तो दोस्तों देखिए हमारा फोन प्रॉपर ऑन हो चुका है और आप यहाँ पर सबसे पहले देखना आपने देखा था हमारे डिस्प्ले में सेफ मोड लिखा हुआ नजर आ रहा था लेकिन अभी यहाँ पर सेफ मोड बंद हो चुका है यानी कि सेफ मोड हमारा हट चुका है ठीक है चलिए अभी आपको वो बता देता हूँ कि यदि आपने अपने फोन को रिचार्ज कर लिया तब भी आपके फोन का सेफ मोड बंद नहीं होता है तो आपके फोन के अंदर प्रॉब्लम यह होगी आपका जो वॉल्यूम की होते हैं ना इनमें से तो आपका जो वॉल्यूम डाउन की होता है आप आवाज़ घटाते हैं फोन की हंड्रेड परसेंट इस बटन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप पहले इसे ठीक करा लेना जैसे आप इसे ठीक करा लेंगे उसके बाद आप अपने फोन को रिस्चार्ज कर देना हंड्रेड परसेंट आपके फोन का सेफ मूड बंद हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे और आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसी कोई नई वीडियो हम तब तक के लिए जय श्री राम